हम बात कर रहे हैं बेटे, आपका सैंपल पेपर्स आ चुके हैं। सैंपल पेपर्स में जस्ट आपके क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चंस नहीं है बच्चे, केस स्टडी की तरह क्वेश्चंस हैं। केस स्टडी मींस जैसे आपने जेएन की देन लेसन किया है ना, आपने देखा उस लेसन में जेएन की देन में कि जापान में एक नई पद्धति है, एक विधि है, नई नहीं कह सकते, एक विधि है जिसके थ्रू वो मेडिटेशन करते हैं। यानी ऑन द टॉप ऑफ द रूफ दे बिल्ड वन हाउस मेड ऑफ, दे बिल्ड वन झोंपड़ी किसे कह सकते हैं, पत्तों की पर्णकुटी बनाते हैं और उसमें जाके बैठ के चाय पीते हैं। सिर्फ दो या तीन, तीन लोगों को वहां बैठने की परमिशन होती है। एक चाजीन होता है, चाय बनाता है, और वहां पे चाजीन होता है, और वहां पे हमें बैठ के एक घुट यानी दो घुट चाय को 1.5 घंटे में पीना, ठीक है? तो वो अपने आपके दिमाग की रफ्तार को स्लो करता है। तो ये आ गया आपका लेसन, ठीक है? अब लेसन के थ्रू वो यहाँ पे कह रहा है, देखिए पढ़िए, क्वेश्चन पढ़ रही हूं मैं। मृगाक्षी एक नाम दिया उसने, नाम भी हिंदी का बहुत अच्छा सा नाम दिया, मृग जैसी आंखों वाली मृगाक्षी। मृगाक्षी एक बहुराष्ट्रीय कंपनी में मैनेजर के पद पर आसीन है। श्रेष्ठ संचालन व बहुमुखी प्रतिभा की धनी होने के साथ ही बुद्धिमानी से तथ्यों को सुलझाने और सभी कार्यों को व्यवस्थित करने में उसका कोई सानी नहीं, ठीक है? वह दिन रात काम में जुटी रहती है, कंपनी के स्तर को बढ़ाने के लिए सदैव प्रयासरत रहती है। कुछ दिनों से उसके सिर में दर्द होने लगा है और नींद भी उसे नहीं आती, ठीक से नहीं आती है। जरा सरा सी बात पे चिड़चिड़ापन होता है तथा अक्सर उदासी उसे घेरे रहती है। अब क्वेश्चन है, इसका क्या कारण हो सकता है? पतझड़ की टूटी पत्तियां पाठ में जेन की देन हमें जो सीख प्रदान करती है, क्या वह मृगाक्षी के लिए सही साबित हो सकती है? स्थिति का मूल्यांकन करते हुए अपने विचार लिखिए, ठीक है? हमें क्वेश्चन के आंसर में मृगाक्षी को भी लेना है, उसके पोस्ट को भी लेना है, वो कितना काम करती है वह भी लेना है, और साथ में उसके सिर में दर्द होना शुरू हो गया, चिड़चिड़ापन है, एक्सक्यूज उसको भी मैम, लेना। हाँ बेटा बोलो बोलो, कौन मैम बोल आपकी रहा है? वॉइस लैग कर रही है बहुत ज्यादा। मेरी वॉइस लैग कर रही है, क्या करूं बताओ मैं। मैम आज नेट फिर खराब है। पता नहीं बच्चे, मैम आपकी आवाज ही चली गई। जी अब बोल रही हूं मैं। हाँ हाँ बार अब ठीक है, पहले मैं अरेंज करने की यस कोशिश मैम। कर रही हूँ, अरेंज करने की कोशिश कर रही थी। हाँ, तो हमने बताना है कि उन सिचुएशन में उसको भी चिड़चिड़ापन हो गया है, वो भी जरा जरा सी बात पे रात को नींद नहीं आती, आंखें जलती है, मींस उसका दिमाग दिमाग इतना काम कर रहा है, सुबह शाम इतना काम कर रहा है कि उसको भी स्पीड इंजन लग गया है, ठीक है? तो उसे भी आराम की आवश्यकता है, अपने दिमाग की भागदौड़ को रोकने की आवश्यकता है, ठीक है? तो इस स्थिति में हमने जो झेन की देन पाठ में पढ़ा कि ऊपर छत पर उन्होंने एक कुटिया बनाई और थोड़ी सी चाय को 2 घंटे में या 1.5 घंटे में पीते हैं और बिल्कुल शांति प्रमुख होती है, तो इस तरह मृगाक्षी को भी अपने दिमाग को आराम देना होगा, शांत रहना होगा और फिर नई ऊर्जा से कामों में जुटना होगा, ठीक है जी? इस तरह का जवाब हमें देना होगा और हमें अपने अंक मिलेंगे, ठीक है? ऐसे ही अगला पढ़ रही हूँ, अगला पढ़ रही हूँ क्वेश्चन, वो मनुष्यता कविता के आधार पर है, वो अभी पैराग्राफ हमने किया नहीं, लेकिन आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन। दुनिया भर में असहिष्णुता, असहिष्णुता मीन्स एक दूसरे से लड़ रहा है, लगभग आम हो गई है। मैम जाति आपकी धर्म, आवाज, और अभी भी नहीं आ रही आवाज, आवाज अभी भी लैगिंग है। आपकी आवाज मुझे लैगिंग आ रही है, अदरवाइज मेरे यहाँ नेट की प्रॉब्लम नहीं है, आपके वहां है, देखिए तो
आप बताइए, सक्षम आवाज आ रही है मेरी? एम आई ऑडिबल बच्चे? रूहानी यस मैम, ऑडिबल हो ना? यस मैम, ओके मैम बीच बीच में से आवाज आ रही है आपकी। अच्छा चलिए सुनिए। मैम अच्छा चलो सुनो। दुनिया भर में जाति, धर्म, रंग और वैचारिक रूप से भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले लोगों के प्रति असहिष्णुता की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। सहिष्णुता की परिभाषा पर विचार करें तो जिस विश्वास और प्रथा को हम पसंद नहीं करते उसमें बाधा डालने की बजाय संयम बरतना ही सहिष्णुता है। यानी उसने खुद ही सहिष्णुता की एग्जाम्पल दे दी। सहिष्णुता का मीनिंग उसने खुद ही बता दिया, खुद ही बता दिया। और क्वेश्चन कर रहा है, कवि मैथिलीशरण गुप्त ने कहा, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। इस पंक्ति की सार्थकता वर्तमान समय में इसका औचित्य स्थापित करें। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। अभी ये तो हमने किया नहीं इसलिए मैं इस पे आपको डिटेल नहीं बता रही। इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। आई विल सेंड यू द दिस सैंपल पेपर, ठीक है, इन योर ग्रुप। ओके, वी आर मूविंग टू मनुष्यता कविता रिटन बाय मैथिली शरण गुप्त जी। मैथिली शरण गुप्त जी, ठीक है। इन गुप्त के, इनके भाई हैं सियाराम चरण गुप्त। हमने उनकी भी कविताएं पढ़ी हुई हैं सियाराम चरण गुप्त की। अभी हमारे पे यहाँ पे है मैथिली चरण गुप्त। हमने 6 पैराग्राफ कर लिए, याद है ना आपको? 3 एक दिन किए थे, 3 एक दिन किए थे। फटाफट एक बार रिवाइज कर लेते हैं उन 3 को। पहले पैराग्राफ में था सुमृत्यु क्या है, पशु प्रवृत्ति क्या है। दूसरे पैराग्राफ में था उसी उदार, उसी उदार। उदारता क्या चीज है? उदारता मींस वो कार्य जो हम दूसरों के लिए करते हैं। ओके जी, उसने कहा कि उदार हो और सारी दुनिया को एक समान दिखे, वही व्यक्ति असल में मनुष्यता के रास्ते पे चलता है। देन इन थर्ड पैराग्राफ गिव 4 एग्जाम्पल्स। हाँ, रति देव की एग्जाम्पल दी, शुद्धार्थ सॉरी उशी नक्ष क्षितिज की एग्जाम्पल दी, दगीची की उदाहरण दी और करण की उदाहरण दी उन्होंने। फिर अगले 3 जो मैंने अगले दिन करवाए, 3 पैराग्राफ, उसमें पहला पैराग्राफ था कि सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है वही। हर व्यक्ति, दुखी व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से सहानुभूति चाहता है ना। हर कोई चाहता है कि मुझे कंसोल किया जाए, मेरे दुख में मुझे कहा जाए कि आप तो सच में बहुत दुखी हो। ओके, ये दुनिया की रीत है। और साथ में कहा महात्मा बुद्ध ने सब पर दया की, तो क्या दुनिया उनके साथ नहीं हुई? दया करो, अच्छे काम करो तो दुनिया हमेशा आपका साथ देती है, ये बताया उन्होंने। फिर दूसरे पैराग्राफ में कल की जो किया था उसमें क्या बताया, परसों सॉरी, रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त के। अरे थोड़े से पैसे की लालच में कभी भी अंधे मत होना। मैंने आपको उस दिन बताया था कि सबसे बड़ा नशा क्या है, पैसे का नशा। जब पैसा आ जाता है ना तो इंसान कुछ नहीं देखता और हमेशा पैसे वालों के बच्चे ही बिगड़ते हैं। तो कहता है सिर्फ थोड़े से पैसे के लिए, वित्त मंत्री, वित्त होता है पैसा, अर्थ आर्थिक व्यवस्था देखने वाला। रहो ना भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त के, थोड़े से पैसे के लालच में कभी गलत काम नहीं करना। और अनाथ कोई नहीं है, गर्व भी मत करना, सबका परमात्मा है, सबका ईश्वर है। ओके, ये उन्होंने कहा। और साथ में उस पैराग्राफ में कहा बड़ा ही अभागा है वो व्यक्ति जिसके घर में बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं लेकिन उसे रेंज रोवर की तलाश है। यानी बहुत कुछ है घर में लेकिन और चाहता है। अतीव भाग्यहीन है अधीर बाव जो करे। वो बहुत ही भाग्यहीन है जिसको संतुष्टि नहीं होती, जिसको सेटिस्फेक्शन नहीं होती। ओके, अगला, ये दूसरा पैराग्राफ था। तीसरा पैराग्राफ था अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, सो समक्ष ही स्व बाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। कहते हैं कि सारे देवी देवता हाथ फैलाकर खड़े हैं, आ जाओ मेरी गोद में बैठो। पर उनकी गोद में बैठने के लिए आपको क्या करना होगा? अपंक होना होगा, बुराई से अलग होना होगा, मनुष्यता के रास्ते पर चलना होगा। क्योंकि कोई
कोई एक अकेला कुछ भी नहीं कर सकता, एक अकेला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर सकता। हमारी दिनचर्या में हम सबकी हेल्प से, मदद से ही चल सकते हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, परस्परावलंब एक दूसरे का सहारा बनके, परस्पर मीन्स एक दूसरे का, अवलंब मीन्स सहारा, एक दूसरे का सहारा बनके उठो और बढ़ो। बढ़ो मीन्स प्रोग्रेस के कार्य करो। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो चली। अमर्त्य अंक मतलब देवी देवता तो कभी मरने वाले नहीं है, अमर है। उनकी गोद में बैठने के लिए आपको प्योर होना होगा। रहो ना यूं कि एक से न काम और का सरे। एक अकेला व्यक्ति तो एक अकेला चना तो भाड़ भी नहीं फोड़ सकता, ठीक है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। ये हमारा रीकैप था पिछला, है ना, तीन पैराग्राफ प्लस तीन पैराग्राफ। आज मैं ये कविता खत्म कर रही हूँ आपकी, लास्ट सेकंड लास्ट पैराग्राफ, यानी हमें याद रहेगा इस कविता के कितने पैराग्राफ है, तीन, तीन छह और दो आज, आठ पैराग्राफ है, ठीक है, याद रहेगा। आज के पैराग्राफ्स में थे, आज है मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। एक बात समझ में आ जाए ना कि हम एक दूसरे के, हम एक दूसरे के भाई बहन है। मनुष्य मात्र बंधु है, आप मेरे भाई बहन है, मैं आपकी माँ दादी नानी के बराबर हूं, लेकिन मैं कहूं आप मेरी बहन है। आप मेरी बहन किस नाते हैं बच्चे, आप मेरे भाई, आप मेरी बहन, आप मेरे भाई किस नाते हैं, क्योंकि परम पिता परमात्मा सबका पिता है, मेरा भी पिता आपका भी पिता। अब पिता एक है तो हम सब भाई बहन हैं। अगर ये बात हमें समझ में आ जाए ना बेटे, तो ये सबसे बड़ा विवेक है। विवेक मीन्स ऐसा ज्ञान जो आइडेंटिफाई कर सके क्या अच्छा है क्या बुरा है। विवेक का मतलब है अच्छे बुरे का ज्ञान। लिख लो कॉपी पे, बेशक बुक पे। विवेक मीन्स अच्छे बुरे का ज्ञान, ओके? तो मनुष्य मात्र बंधु है, इंसान आपस में भाई भाई है। ये बात समझ में आ जाए तो ये सबसे बड़ा ज्ञान है। पुराण पुरुष स्वयं भू पिता प्रसिद्ध एक है, पुराणों से लिखा हुआ है कि अपने आप उत्पन्न वाले वाला, उत्पन्न होने वाला परमात्मा केवल एक है। स्वयं भू अपने आप उत्पन्न होने वाला परमात्मा सबका एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद है, जो हम कर्म करते हैं उस हिसाब से हमारे बाहरी भेद है। जैसे हम कहें ना, हमने तो कभी आज तक बुरा काम नहीं किया, वो इतने अमीर हैं हम गरीब हैं, वो इतने अच्छे हैं हम अच्छे नहीं हैं, है ना, उनको भगवान ने इतना सुंदर बना दिया हमें सुंदर नहीं बनाया। जब हम ऐसी आइडेंटिफिकेशन में पड़ते हैं ना तो दुविधा में पड़ जाते हैं। वो कहता है जो मिलता है ना आपको, वो आपके कर्मों के हिसाब से मिलता है। जो आपने पिछले जन्म में कर्म किए थे उस हिसाब से आपको शरीर मिलता है, उस हिसाब से आपको ज्ञान मिलता है, उस हिसाब से आपको इंटेलिजेंस मिलती है, उस हिसाब से आपको सेहत मिलती है, उस हिसाब से आपको पैसा मिलता है। तो कह रहा है फलानुसार कर्म के अवश्य बाहरी भेद है। बाहर से जरूर अंतर है, परंतु अंतरैक्य में प्राणभूत भेद है। परंतु अंदर सबकी आत्मा एक जैसी है, अंदर जो ज्ञान है प्रमाणभूत वेद है। वेद मीन्स ज्ञान, जो आंतरिक ज्ञान है वो सबका एक है। बेटे यू बिलोंग्स टू अ रिच फैमिली और यू बिलोंग्स टू अ एवरेज फैमिली और यू बिलोंग्स टू अ पुअर फैमिली, परमात्मा ने आत्मा तो सबकी एक जैसी डाली है। अगर हमें ये बात समझ में आ जाए ना तो हम कभी किसी गरीब का बुरा नहीं करेंगे, अपना कोट उतार के गरीब को जरूर दे देंगे, क्योंकि अंदर से आत्मा सबकी एक जैसी है। सभी सुख चाहते हैं, सभी चैन चाहते हैं, सभी शांति चाहते हैं। अशांति किसी को पसंद नहीं होती। घर में आप सोचो, बहुत से मेहमान आए हुए हैं, बहुत शोर मचा हुआ है, है ना, तो पहले आप बर्दाश्त करते रहेंगे, अंत में आप कहेंगे, जब वो चले जाए तो आप कहेंगे आय हाय शुक्र है दिमाग थक गया से, ठीक है। यानी पीस इज अ अटर मोस्ट रिक्वायरमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग। शांति सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है। यानी अंदर से ज्ञान सबका एक जैसा है,
अंदर से आत्मा सबकी एक जैसी है, बाहर से डिफरेंसेस बनाए हैं परमात्मा ने, वो हमारे कर्मों के हिसाब से है बच्चे। अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा रे, कहते देखो आपको पता चल गया वो परमात्मा हमारा पिता है, हम आपस में भाई बहन है। अब देखो एक भाई दूसरे भाई की मुसीबत ना दूर करे, एक बहन दूसरी बहन का हाथ ना पकड़े, अनर्थ है ना। जब हमें पता चल गया हम सब भाई भाई हैं। देखिए बच्चे जब मुसीबत आती है हम अपने भाई बहन के लिए कुछ भी कर गुजरते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। हमारी हमारी बहन से नहीं बनती, हमारी हमारे भाई से नहीं बनती, घर में हम रोज लड़ते हैं, लेकिन बाहर वाला व्यक्ति अगर उसे उंगली उठा लेता है, उस पर उंगली उठा लेता है, तो हम उसकी जान निकाल लेते हैं। ऐसे ही बच्चे परमात्मा की संतान होने के नाते जब हम भाई बहन हैं तो हम एक दूसरे का दुख दूर ना करें, एक दूसरे के दुख को ना समझे, बड़े शर्म की बात है। ओके, इस पैराग्राफ में मैंने एक्सप्लेन किया मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। और कहता है अनर्थ है कि बंधु ही ना बंधु की व्यथा, एक बंधु एक भाई दूसरे भाई का दुख दूर ना करे, कितना शर्म, कितने शर्म की बात है, कितने शर्म की बात है बच्चे। ठीक है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए, यानी जो आज का लेसन है उसमें पहले पैराग्राफ में बताया है उसने कि हम सब भाई भाई हैं, वो परमात्मा हमारा पिता है, इस नाते हमें एक दूसरे का दुख दूर करना चाहिए, क्योंकि अंदर सबको शांति चाहिए, सबका अंतर ज्ञान एक है, आत्मा एक है। ओके, द लास्ट पैराग्राफ, क्योंकि लास्ट पैराग्राफ हमेशा कंक्लूडिंग पैराग्राफ होता है तो उसमें से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं बच्चे, तो लास्ट पैराग्राफ है, चलो अभीष्ट मार्ग में, चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो बड़े पड़े उसे धकेलते हुए, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए बने। इस पैराग्राफ में उसने क्या कहा, चलो अभीष्ट मार्ग पे, चलो अभीष्ट यानी जो सोचा हुआ है रास्ता, जैसे यू प्लैंड फॉर नॉन मेडिकल, यू प्लैंड फॉर मेडिकल, यू प्लैंड फॉर अकाउंट्स, है ना, आपने जो रास्ता सोचा हुआ है उस रास्ते पे चलो। ये मैंने इसलिए कहा क्योंकि आपके लिए रास्ता भी पढ़ाई है, जिस रास्ते पे जाना सोचा है ना चलो, लेकिन खुशी खुशी चलो, जबरदस्ती नहीं, जबरदस्ती हम कोई काम नहीं कर सकते। चलो अभीष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, खुशी खुशी चलो, खेलते कूदते अपने रास्ते को पार करो। ओके, विपत्ति विघ्न जो पड़े उसे धकेलते हुए, जो भी मुसीबत आती है ना उसे धक्का मारो, जो भी मुसीबत आती है उसे ठोकर मारो, हर मुसीबत को टांग मार के पीछे कर दो, मुसीबत से डरना नहीं है हमें। ओके, घटे न हेल मेल, हाँ इस काम में कहते हैं हेल मेल नहीं घटना चाहिए, हेल मेल मीन्स आपस में मिलकर रहने का जो कार्य है वो कम नहीं होना चाहिए, मिल के चलो, जाति भेद ना करो, है ना, किसी को तंग मत करो, किसी को दुखी मत करो, घटे न हेल मेल हाँ बड़े न भिन्नता कभी, कभी भी भिन्नता मत बढ़ाना। लेकिन आजकल हो क्या रहा है आपको पता है, राजनीतिक दल पे कोई दल मुसलमानों को कंडेम कर रहा है, कोई हिंदुओं को कर रहा है, कोई किसी को, मतलब धर्म के नाम पे ही लड़ते जा रहे हैं हम लोग, जबकि वास्तविक धर्म कौन सा है, मनुष्यता का धर्म, मनुष्यता, बी अ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, घटे न हेल मेल हाँ बढ़े न भिन्नता कभी, कभी भेदभाव ना बढ़ाना, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, अतर्क बिना आर्ग्यूमेंट किए, विदाउट एनी सवाल जवाब, अतर्क एक पंथ के, एक रास्ते के राही बनो, सतर्क पंथ हो सभी, एक ही रास्ते के राही बनो बिना सवाल जवाब किए। किस रास्ते के राही बनना है हमें, मनुष्यता के रास्ते के राही बनना है, मनुष्यता के रास्ते पर चलो बिना सवाल जवाब किए, एक ही रास्ते के राही बनो, पंथी मीन्स राही, ठीक है,
तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। मेन अगर हम किसी का भला करते हैं तो हमारा भला साथ हो जाता है। सपोज किसी को आपने डूबते हुए देखा नदी में, सपोज ठीक है, आपने छलांग लगा दी, आप उसे बचाने निकले हैं और पूरा प्रयत्न करके आप उसे बचा लेते हैं, तो ऐसा हो सकता है आप डूब जाओ, क्योंकि आप बचाने के लिए किनारे तो आएंगे ही, तो आप भी बच ही जाएंगे। यानी किसी का भला करेंगे तो हमारा भला अवश्य हो जाएगा। ऐसा कभी हो नहीं सकता कि हम किसी और का भला करें और हमारा भला ना हो, ठीक है। तो लास्ट लाइन में उसने क्या कहा, तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, किसी का भला करते हुए हमारा भला हो जाए, यही सबसे बड़ा भाव है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आज के दो पैराग्राफ किए, क्या किया आज के दो पैराग्राफ में, क्या किया हमने बच्चे? पहले पैराग्राफ में देखा मनुष्य सिर्फ आपस में भाई भाई है, क्योंकि परमपिता परमात्मा एक है, ठीक है। और भाई भाई की दुख को दूर ना करे, ऐसा कैसे हो सकता है यार, क्यों होता है ऐसा? आज हमने ये पैराग्राफ किया। अगले पैराग्राफ में कहा है विच एवर वे यू आर ऑप्टिंग परफॉर्म ऑन दैट वे, ठीक है, उस रास्ते पे चलते जाओ बच्चे, उस रास्ते में आने वाली सभी मुसीबतों को धक्का मारो और कभी भी बिना बहस किए एक ही रास्ते पर चलो, वो है मनुष्यता का रास्ता, उस पे कोई बहस नहीं यार। बी ह्यूमन बीइंग, दूसरों को भी इंसान समझो, यानी मनुष्यता का, यानी मनुष्यता का रास्ता अपनाओ, मनुष्यता का रास्ता अपनाओ। आज के दो पैराग्राफ ये पैराग्राफ थे बेटा। एक बार दोबारा रिकॉल करते हैं पूरी कविता। पहला पैराग्राफ था सुमृत्यु क्या है, पशु प्रवृत्ति क्या है। दूसरे पैराग्राफ में था उसी उदार, अब ये उदारता कौन सी है मैंने बताई थी। तीसरा पैराग्राफ था फोर एग्जाम्पल दी थी उसने हमें, ठीक है। फिर अगले दिन जो हमने किया उसमें महात्मा बुद्ध की एग्जाम्पल देके उसने कहा कि दया करो, हर व्यक्ति दया मांगता है, ठीक है। फिर अगला पैराग्राफ था कि कभी भी पैसे के नशे में अंधे मत होना, क्योंकि अनाथ कोई नहीं है यहाँ पे, त्रिलोक की नाथ साथ है, परमात्मा सबका है, ठीक है। तो उसके बाद उसने तीसरा पैरा कहा था गॉड आपको बाहें फैला के खड़ा है अपनाने को, ये आपकी है कि आप प्योर होके, मन से प्योर होके। अरे बेटे अगर हम मनुष्य को, हर मनुष्य को अपना भाई बहन माने, हर एक की सेवा करने को तैयार रहे, परोपकार करें, तो कहां रह गया कि हम पंकित रह जाएंगे। हम तो अपंग अपने आप हो गए, मन में मैल ही नहीं है ना, मन में खोट ही नहीं है, ओके? तो ये हमारे पिछले पैराग्राफ थे, हाँ? और आज का पैराग्राफ दो थे कि मनुष्य मात्र बंधु है, हम एक दूसरे के भाई बहन है। इस बात को समझ लो तो सारे रास्ते आसान हो जाएंगे, और भाई बहन होने के नाते एक दूसरे की मदद करो, ओके? आज ये किया हमने। बाहर से अंतर जरूर है, कोई अमीर है कोई गरीब है, ये अंतर हमारे कर्मों का है। जैसे कर्म हमने पीछे किए वैसा फल मिल रहा है। परमात्मा हमें अमीर या गरीब नहीं बनाता, लेकिन हम लोग कोसते यही है ना, कह के असी भगवान का की बिगाड़िया सी, है ना, हमें काला बना दिया उसको गोरा बना दिया, हमें गरीब बना दिया उसे अमीर बना दिया। नो, ये जो भेदभाव है ना बेटे, ये हमारे कर्मों का भेदभाव है, क्योंकि अंदर आत्मा सबकी एक है। और लास्ट पैराग्राफ में कहा कि जो भी रास्ता आप चुनते हो उस रास्ते पे क्विट नहीं करना कभी भी, ठीक है, क्विट नहीं करना उस रास्ते को, उस रास्ते में आने वाली कठिनाइयों को आप ठोकर मारते रहो और हिम्मत से आगे बढ़ते रहो, ठीक है। बस एक बात याद रखना, भेदभाव पैदा मत करना, तू बड़ा मैं छोटा, तू हिंदू मैं मुसलमान, ये भेदभाव पैदा नहीं करने हमने, ठीक है। और दूसरे का भला करते करते हमारा भला हो जाए, ये सबसे बड़ी बात है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
हाउ मेनी पैराग्राफ्स, 3 + 3 + 2, ऐसे ही याद रहेगी कविता, अदरवाइज नहीं याद रहेगी, क्योंकि वहां जब भी आपको आंसर लिखना है ना, तो दिमाग में होना चाहिए, तो दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या लिखने वाले हैं। इस तरह 3 + 3 + 2 याद रहेगा तो आप एक 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 लाइन हर पैराग्राफ की लिखते जाएंगे तो आपका हर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। मैंने अपनी तरफ से बहुत मेहनत करके आपको ये कविता करवा दी, 3 दिन पूरे मैंने इस कविता पे बर्बाद किए, बर्बाद नहीं कह सकती मैं, कह सकती हूँ हमने प्रयोग में लाए, 3 पीरियड्स हमने प्रयुक्त किए, 3 क्यों, पहले भी एक आधा पीरियड में लगा चुकी हूँ, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने अपनी तरफ से प्रयत्न पूरा किया और उसका फल भी आप देंगे मुझे, ठीक है। कम टू द क्वेश्चन आंसर्स, वट एवर टाइम इज लेफ्ट वी कैन डिस्कस क्वेश्चन आंसर्स, क्योंकि सारे क्वेश्चंस आप कर चुके हैं बेटे, मेरे करवाने वाला इसमें कुछ भी नहीं है, आप कर चुके हैं। देखिए, कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है, आपको बहुत अच्छी तरह पता है कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है। जब हम दूसरे का भला करते हैं, है ना, जब हम विवेक से काम लेते हैं, जब हम मनुष्यता के धर्म को अपनाते हैं और ऐसे काम करते हैं कि दुनिया हमें बाद में याद रखेगी, ठीक है, वो पॉइंट सारे लिख के सुमृत्यु का, ठीक है। नेक्स्ट है, वैसे इसका आंसर होगा, है ना, पीछे पेज जो पाठ प्रवेश है उसका सेकंड पैराग्राफ है, उसमें है इसका आंसर, पाठ प्रवेश में सेकंड पैराग्राफ, जिस जो अपनों के हित चिंतन से कहीं पहले दूसरों का हित चिंतन करे, ठीक है, इस दुनिया से जाने के बाद लोग उसे युगों तक याद रहे, उसकी मृत्यु भी सुमृत्यु हो जाती है, ठीक है, पाठ प्रवेश में सेकंड पैराग्राफ में है। उदार व्यक्ति की पहचान कैसे होती है, सेकंड पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन, सेकंड पैराग्राफ की एक्सप्लेनेशन, ओके। उसके बाद है, कवि ने दगीचीकरण और महान व्यक्तियों के उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है, क्या संदेश दिया है कि दूसरों के लिए परोपकार के काम करो, ऐसे काम करो कि दुनिया हमारे मरने के बाद भी हमें याद रखे, यानी इस क्वेश्चन में इनडायरेक्टली सुमृत्यु का ही पूछा है। लिख लो क्वेश्चन के आगे कि सुमृत्यु का ही पूछा है, ऐसी मृत्यु मरो कि सुमृत्यु कहलाए। फोर्थ क्वेश्चन में उससे पंक्तियां पूछी हैं, ये क्वेश्चन करने लायक नहीं है, पर हम पंक्तियां तो इंडिकेट करें ना कि कौन सी पंक्तियों का ये व्याख्या है, कवि ने किन पंक्तियों में व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन जीना चाहिए, कौन सा पैराग्राफ है, टेल मी द पैराग्राफ, दैट इज 5th पैराग्राफ, रहो न भूल के कभी मदान तुच्छ वित्त के, ओके, वो वाला पैराग्राफ है। नंबर 5 क्वेश्चन, मनुष्य मात्र बंधु है से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेनेशन ऑफ सेकंड लास्ट पैराग्राफ, सेकंड लास्ट पैराग्राफ की व्याख्या, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है, क्यों दी है बच्चे, थर्ड लास्ट पैराग्राफ, थर्ड लास्ट पैराग्राफ मीन्स 6th पैराग्राफ, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए कविता के आधार पर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, हर हर पैराग्राफ में से ये दो दो लाइनें, और ये क्वेश्चन तो कॉपी में जरूर करना है, यू आर सपोज टू डू दिस क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन कर लो, सेकंड क्वेश्चन कर लो, 6th क्वेश्चन कर लो, 5th कर लो, 1st, 2nd, 5th, 6th, ठीक है। अब 6th क्वेश्चन कर लिया तो सॉरी 6th क्वेश्चन कर लिया, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए इस कविता के आधार पर बताइए, मनुष्यता कविता के माध्यम से कभी क्या संदेश देना चाहता है। 7th, 8th क्वेश्चन एक क्वेश्चन है, इन दोनों में से कोई एक कर लो, दैट इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, ठीक है। 7th और 8th इज सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम, यानी हमारे 8 पैराग्राफ हैं, 16 लाइन्स,
टू लाइंस फ्रॉम ईच पैराग्राफ. डन बेटे, फॉलोड माय पॉइंट. वैसे मैं दीवारों को पढ़ा रही हूं, किसी ने कैमरा ऑन नहीं किया हुआ. दक्षिता का सिर्फ कैमरा ऑन है, बाकी किसी का कैमरा ऑन नहीं है. मैंने दीवारों को पूरी कविता करवा दी, पूरी कविता अच्छे से समझा दी. मैंने बता दिया कि हमारे तीन पैराग्राफ, फिर तीन पैराग्राफ, फिर दो पैराग्राफ, और लास्ट पैराग्राफ में कहा है, बिना बहस किए अतर्क एक पंथ के, सतर्क पंथ वो सभी. बिना बहस किए बच्चे एक धर्म को मानो, और वो धर्म है मनुष्यता का धर्म. दूसरों का भला करते हुए हमारा भला हो जाए, यही मनुष्यता है. टेक केयर ऑफ योर हेल्थ बेटा. गुड बाय. बी सेफ एट होम. गुड बाय बच्चे. गुड बाय.